भिंड जिले की लहार कृषि उपज मंडी में मंडी व्यापारियों की मनमानी से परेशान होकर किसानों ने संयुक्त रूप से चक्का जाम कर दिया। बता दें कि लहार कृषि उपज मंडी में किसानों के अनाज की तौल नहीं की जा रही, जिसके कारण किसान काफी परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंडी व्यापारियों द्वारा किसानों की उपज की तौल नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर व्यापारी श्याम कुमार गुप्ता ने कहा कि मंडी व्यापारियों ने बाहर तौल होने का विरोध किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेकर हमने आवेदन दिया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम तौल नहीं करेंगे। वहीं किसानों द्वारा चक्का जाम करने पर तहसीलदार और थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाया। साथ ही तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जो व्यापारी अंदर तौल नहीं कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। लाहौर से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। हाँ, जैसे ही हमें पता चला, एसडीएम साहब के निर्देश पर हमें भेजा गया कि जाम किस कारण से लगा हुआ है, तो यहाँ पर जानकारी ली कि जो बाहर तुलाई हो रही है इसके कारण अंदर डाक नहीं हो पा रही है। तो यहाँ लोगों को समझाया गया जो बाहर तुलाई हो रही है, एसडीएम साहब ने निर्देश दिए कि उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और अंदर ही डाक होगी, तो ये समस्या का समाधान करवा दिया है। मंडी 2-3 दिन से क्या बंद थी, अभी यहाँ जब हम आए थे अपने गल्ला लेके अनाज, तो इन्हें मना कर दिया, बोले हम बोली नहीं लगा रहे, कारण ने बताया नहीं अभी तक। सर, आप लोगों ने क्या किया? हमने वहाँ पे जब जाम लगाया तो साहब आए, ये है करीब 2 साल से चल रही है हम लोगों की मांग के जो बाहर खरीद होती है वो अंदर ला जाए, व्यापारी अंदर खरीद करें और डाकबोरी लगाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने जिलाधीश महोदय की जन सुनवाई में ज्ञापन दिया था कि 16 तारीख से हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं, अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो चले हड़ताल चले जाएंगे हम, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए हम चले गए हड़ताल पे। हम लोगों की मजबूरी है, पल्लेदार आते हैं बैठे बैठे चले जाते हैं, माल का अल्लाह अल्लाह कुछ यहाँ आता नहीं है, सब बाहर तो जाता है।